की गति प्रदान होगी। अभी इसमें एक आएगा, अभी देखो इससे क्या होता है कि अभी हम पैर रखे हुए हैं। सेकेंड जब आएगा हमारा स्लाइड, इसमें क्या लिखा है देखो, लो लिखा है, लो स्पीड है ना। हमारा मशीन का जो पावर डाल है वो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा जितना हम अगर पैर का दबाव डालेंगे कि थोड़ा सा उठा रहा है तो हमारी मशीन की जो गति होगी वो स्लो, ठीक है। अब तीसरा इसमें देखो, इससे तो हम गति से पूरा ऊपर नीचे सब कुछ करते हैं, तीसरी जो स्लाइड आई है हाई स्पीड, इसमें क्या है देखिए, सीधा है, बिल्कुल सीधा है, समतल है, यानी हमारा जो फुट पैडल है ना वो ऐसे सीधा रहेगा, तब क्या होगा हमारा, हमारी जो मशीन की जो गति होगी ऐसे जब सीधी रहेगी, फुट पैडल हमारा जब सीधा रहेगा तो हमारी मशीन की गति कैसी होगी, हाई स्पीड, लिखा है यहाँ पे हाई स्पीड। तो हमको ध्यान में रखना है कि हमारी जो मशीन की गति कैसे नियंत्रण करना है, जब हम थोड़ा सा पीछा रखेंगे तो स्लो चलेगा, जब हम मशीन को पैर को सीधे रखेंगे तो हमारी मशीन हाई स्पीड में चलेगी, और जब मशीन को हम पीछे की ओर दबाव डालेंगे, चौथा स्लाइड जो है उसमें क्या होगा कि स्टॉप लिखा होगा, लिखा है ना, तो जब हम नीचे की ओर दबाव डालेंगे पूरा पैर को दबाव दे देंगे तो हमारी मशीन क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं चला के कैसे चलाना है, आप लोग आ जाओ एक दिन यहाँ पे, मैं बैठ के चला के दिखाती हूँ, आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग मशीन में बैठते हैं और यहाँ से बटन चालू करते हैं, है ना। ये मशीन की गति जो होती है वो 3000 के लगभग रहती है पर मिनट के हिसाब से, है ना। तो जब अभी हमें पैर रखते हैं, ठीक है, जब हम धीरे से बता लेते हैं, देखो धीरे धीरे चल रही है ना, जब हम और तेज चलाएंगे जितना सीधा करेंगे तो मशीन हमारी तेज चल रही है, फिर इसको हम धीरे करेंगे और एक पैर, ठीक समझ में आ रहा है आपको, आए पहले हमको धीमी दबाव देना, फिर मशीन हमको सबसे पहले तो हमको धीमा चलना सीखना है, ये नहीं कि बैठे फट मार ऐसा नहीं चलना, हमको पहले धीरे से चलना है, ये फिर स्पीड बढ़ाएंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है, बनेगा आप लोग से, आप लोग बैठिए, मैं और सबको बताती हूँ, तो बेटा आपको बता दी, आ जाओ बेटा आप लोग सब कोई, है ना। पहले हमको लाइट चालू करनी है, यहाँ से बटन चालू करना है हमारी मशीन, देखो इसमें है ना थोड़ा सा धीमे से दबाइए, देखो मशीन ऐसे चलाना सीखना है शुरू में आप लोगों को, मशीन से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, है ना, फिर इसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तो ठीक मशीन को ये नहीं कि बिल्कुल धीरे रखे और खुद तेज से दबाए, आपको अपने पैर में कंट्रोल रखना है, तभी आप मशीन को अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। मशीन को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको कभी कभी हाथ भी चला जाता है, कपड़े भी जैसे दबाओगे दर रखे कपड़े सट से करेगा, मशीन सिलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो मशीन को कंट्रोल आपको पैर से करना हो, पैर को आपको धीरे से पहले स्टार्ट करना, देखो ठीक है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, देखो चल भी रही है ना, बैठो कंट्रोल किया, जैसे जैसे आप दबाओगे ऐसे ऐसे तेज पड़ेगी, इसको हम बोर्ड छोड़ते गए, देखो तो क्या हम क्या कर रहे हैं, पैर में कंट्रोल कर रहे हैं ना अपने, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल करना है पैरों में, ठीक है। इसकी मशीन चलाने के समय ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको इसको चलाने के समय कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कपड़ा फंस ज़्यादा से भग जाएगा, आपका हाथ भी उसमें थोड़ा सा चला जा सकता है ना। बैठो मशीन और थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, जैसा मैंने दिखाया था ना कि मशीन में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतना मैंने